हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे गाजर हलवा, रिटन बाय गीता हरिहरन। ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से। ये बहुत ही ज़्यादा मासूम है और बहुत ज़्यादा गरीब है। इसका नाम होता है पीरूमाई। पीरूमाई के जो फादर होते हैं वो कोई काम नहीं करते, बस रात में ड्रिंक करके आते हैं और घर में रोज डेली तमाशा करते हैं और बच्चों को खूब मारते हैं। पर पीरूमाई की जो मदर होती है वो पास में एक हाईवे में दिहाड़ी का काम कर रही होती हैं, जिससे कि जो पैसे उनको मिलते हैं वो घर में लेके आती हैं और अपने बच्चों का पेट भरती हैं। पीरूमाई की जो मदर होती है, जब वो काम पे जाती है तो पीछे से पीरूमाई ही अपने घर का ख्याल रखती है, अपने छोटे भाई को तैयार करती है, स्कूल भेजती है, और इसकी छोटी बहन भी होती है और एक छोटा भाई भी होता है जो उसकी मदर के पास में रहता है। मतलब कि दो भाई होते हैं और एक बहन होती है। तो पीरूमाई घर का सारा काम संभालती है। अब कुछ दिनों के बाद हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है, तो पीरूमाई की जो मदर होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो सोचती हैं अब मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि पीरूमाई के घर में कोई नहीं कमाता, खाली उसकी माई जो दिहाड़ी पे काम करती थी उसी से पैसा आता था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उनके घर में खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगता है। कुछ दिनों के बाद पीरूमाई की पड़ोसी के घर में कोई आता है, मतलब उनके रिश्तेदार आते हैं, और उस रिश्तेदार का नाम होता है चिलम्मा। ये जो चिलम्मा है वो दिल्ली से गांव आती हैं, कुछ बच्चों को ले के जाती हैं, मतलब 5 बच्चों को गांव से ले के जाती हैं अपने साथ, और जहां पर ये ले के जाती हैं दिल्ली, वहां पर ये 5 बच्चों को नौकरी दिलाती हैं और उसमें से ये कमीशन खाती हैं। जब ये बात पीरूमाई की माँ को पता चलती है कि गांव में चिलम्मा आई है बच्चों को लेने, तो वो बहुत सोचती है और पीरूमाई को चिलम्मा के साथ भेज देती है दिल्ली। अब यहाँ पर पीरूमाई बहुत ही ज़्यादा डरी डरी होती है, क्योंकि ये तो गांव की लड़की होती है और चिलम्मा 5 लड़कियों को दिल्ली लेके जा रही होती हैं, और इसको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही होती है कि मतलब मैं कैसे काम करूँगी, क्योंकि पीरूमाई को कोई काम नहीं आता और ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। कैसे भी करके पीरूमाई दिल्ली पहुँचती है। अब वहाँ पर चिलम्मा अपने घर में, वहाँ पे एक कमरा होता है, वहाँ पर वो 5 लड़कियों को रखती है। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर एंटर करती है तो वो कमरा ना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब उस कमरे के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। अब अगले दिन चिलम्मा पीरूमाई को लेके जाती है एक घर में काम दिलवाने, और वहाँ पर वो झूठी झूठी तारीफ़ करती है पीरूमाई की कि इसको सारा काम आता है, मतलब खाना बनाना तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, और हाँ छोटे बच्चों को भी ये संभाल लेती है। अब यहाँ पे वो चिलम्मा इसलिए झूठ बोलती है, अगर चिलम्मा झूठ नहीं बोलेगी तो इसको पीरूमाई को कैसे काम मिलेगा और ये चिलम्मा कैसे कमीशन खाएगी, इसलिए चिलम्मा झूठ झूठ बोलती है। फाइनली पीरूमाई को उस घर में रख लिया जाता है। यहाँ पर पीरूमाई को खाली दाल चावल बनाने आते हैं और इसको कुछ भी बनाना नहीं आता। पीरूमाई की जिस घर में नौकरी लगती है वहाँ पर उसका जो सैलरी होती है पीरूमाई की, वो 200 रुपये होती है, जिसमें से 50 रुपये वो चिलम्मा कमीशन खाएगी और 150 रुपये जो बचेंगे वो अपने घर में पीरूमाई भेजेगी। अब पीरूमाई उस घर में काम करने लगती है। बहुत ही कम समय में पीरूमाई बहुत सारा काम सीख लेती है जल्दी जल्दी। दिल्ली की कॉलोनी में काफ़ी ढेर सारी लड़कियां काम कर रही होती हैं और वहां पर पीरूमाई की भी काफ़ी सहेलियां बन जाती हैं और उन्हीं सहेलियों से पीरूमाई भी काम सीख जाती है। ये जो पीरूमाई है वो साउथ की है और इसको हिंदी नहीं आती, और ये नॉर्थ में काम करती है कि नॉर्थ में आप लोगों को पता है कि हिंदी बोली जाती है, तो इसको हिंदी तो आती नहीं, तब ये हिंदी भी सीखती है और बहुत ही जल्दी ये हिंदी सीख लेती है। और नॉर्थ में क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में
लोग गाजर का हलवा खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि उस घर की मेम साहब आती हैं और पीरू माई से बोलती हैं कि आज तुम हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ। अब यहाँ पर पीरू माई को तो गाजर का हलवा बनाना नहीं आता, अब वो क्या करे। फिर भी पीरू माई अपने छोटे छोटे हाथों से उस गाजर को कद्दूकस करती है और कैसे भी कर कर वो गाजर का हलवा बना लाती है। और यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। सो इस स्टोरी में बताया गया है गरीबी के बारे में और स्ट्रगल, कैसे पीरू माई ने स्ट्रगल करके सारी चीज़ों को सीखा और स्ट्रगल करके वो पैसे कमा रही थी अपने घर के लिए। सो आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।